अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बार-बार अत्याचारों के विरोध में आज इस धरना प्रदर्शन में यहाँ पधारे हमारे भारतीय जनता पार्टी देवास के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजीव जी खंडेलवाल, आदरणीय विधायक राजमाता साहब, विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राजेश जी यादव भाई साहब, मोर्चे के जिलाध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष राजू भैया यादव जी उपस्थित थे, नेता पक्ष सत्ता पक्ष मनीष सिंह जी उपस्थित थे, साथ ही सारे और भारतीय तृणमूल कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका जाए जो हमारी माता बहनों के विपक्ष में काम करती है, उन्हें प्रताड़ित करती है। वंदे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं या ज्येष्ठ कार्यकर्ता में उपस्थित है, जिन्होंने पूरे बंगाल में माता बहनों को प्रताड़ित कर रखा है, ऐसी सरकार को मैं उखाड़ फेंकने की अपेक्षा रखता हूँ। श्री राम के नारा लगाने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी संघ कार्यकर्ताओं को मौत की सजा दी गई थी, वह जिन्हें जिंदा जलाया गया था। इस तरह का धरना प्रदर्शन भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आज यहाँ पर किया गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा धरना प्रदर्शन था। पश्चिम बंगाल में हमारी बहु बेटियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, और वो भी एक महिला नेत्री के रहते जो हुआ है, उसके अगेंस्ट हमने आवाज़ बुलंद की है। पार्टी का मांगना है कि ये आवाज़ राष्ट्रपति तक जाएगी, और महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि उनको वहाँ से हटाकर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ताकि हमारी बेटियाँ महिलाएं सुरक्षित रह सकें। धरना चल रहा था बंगाल सरकार को लेकर, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? बंगाल में जो स्थिति हुई है महिलाओं के साथ में, महिला की एक सुरक्षा का रहता है, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को हमेशा सशक्त बनाया है, और वहाँ पर जो वहाँ के कार्यकर्ता ने, क्योंकि इतने बड़े वहाँ के नेता हैं, उन्होंने महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया वो बहुत गलत है, क्योंकि उन्होंने बहु बेटियों को घर से निकाल कर ले जाना और उनके साथ अत्याचार करना, ये एक महिलाओं के लिए बहुत गलत चीज़ हुई है। इसलिए आज हम यहाँ महिलाओं ने इकट्ठा होकर उनके लिए विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि वहाँ की जो मुख्यमंत्री एक खुद महिला है, और महिलाओं को होते हुए अगर इस तरह के कार्य हो रहे हैं तो एक देश के लिए, समाज के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो इसलिए उनको जो घटना हुई है उसमें बहु बेटियों को वहाँ पर उस चीज़ के लिए उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए और उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी की अलोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ आज हमने धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध राष्ट्रपति जी को दिया है। ऐसी सरकार जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको संरक्षण किया जा रहा है, निश्चित रूप से ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाकर वहाँ की जनता को सुरक्षित करना चाहिए। भैया, क्या मानते हैं जिस तरह से वहाँ की महिलाएं जो अब आगे आ रही है और जिस तरह से जो अत्याचार हुआ उसको लेकर अब वहाँ विरोध भी हो रहा है? निश्चित रूप से ममता बनर्जी की सरकार पिछले 10-12 सालों से मुस्लिम तुष्टीकरण का अपना समर्थन कर रही है, और जो बांग्लादेश से घुसपैठी आए हैं उनको वहाँ की देश की नागरिकता देकर एक मुस्लिम तुष्टीकरण को समर्थन करने की और सरकार चलाना और उनकी दादागिरी से हमारे हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार होना, ये निश्चित रूप से तृणमूल सरकार का अलोकतांत्रिक तरीका है, जिसका हम विरोध करते हैं और तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं।